अगर आप इस वीडियो पर क्लिक किए हैं इसका मतलब आप फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं। ज्वाइन कौन कर सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसका आंसर ये है कि ज्वाइन कोई भी कर सकता है, लेकिन उसे क्रिएटर होना चाहिए। अगर आप यूट्यूब के क्रिएटर है फिर भी काम हो जाएगा, अगर आप फेसबुक के क्रिएटर है फिर भी काम हो जाएगा, कोई टेंशन का बात ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसका बेनिफिट और रिक्वायरमेंट के बारे में जानते हैं। शुरुआत करते हैं बेनिफिट से। बेनिफिट ये है कि जैसे ही आप पार्टनर प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं आपको इन गेम रिवॉर्ड, कस्टम रूम और डायमंड फ्री फायर की टीम के द्वारा फ्री में दिए जाएंगे, जिससे कि आप अपने कंटेंट बना सकते हैं और लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं। अगर आप अपने चैनल में 95% से ज्यादा फ्री फायर का कंटेंट अपलोड करते हैं तो आपको फाइनेंशियल कंपनसेशन भी दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई वीडियो में लॉस हो जाता है और वो लॉस अगर फ्री फायर की वजह से हुआ हो तो आपको इसके बदले फ्री फायर कंपनी के द्वारा आपको पैसे भी दिया जाता है। इसके साथ ही अगर फ्री फायर के अंदर नया बंडल या फिर किसी भी तरह का नया कंटेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है तो सबसे पहला एक्सेस आप लोगों को मिलेगा, यानी कि पार्टनर प्रोग्राम में मौजूद लोगों को मिलेगा। और एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको फ्री फायर के सोशल मीडिया में फीचर किया जाएगा, जिससे कि आपके ऑडियंस इंक्रीज करेंगे, आपको लोग जानेंगे, पहचानेंगे, आपको ऑटोग्राफ मांगने के लिए आपके पीछे पीछे घूमेंगे। और क्या चाहिए? हाँ, और एक चीज चाहिए होता है, वो है टेक्निकल सपोर्ट। वो भी आपको मिलेगा फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन करने पर। बेनिफिट सुन के आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बहुत ही मजा आया होगा, लेकिन इसका नुकसान भी है। और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप फ्री फायर के अगेंस्ट कभी कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। देखा जाए तो आप बोल सकते हैं, जैसे कि फ्री फायर का पार्टनर प्रोग्राम का वैलिडिटी जो है वो 3 साल का होता है, यानी कि 3 साल के बाद आप फ्री फायर के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम में ज्वाइन हैं तब तक आप फ्री फायर के अगेंस्ट कुछ कह नहीं सकते हैं, वरना आपके कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। तो क्योंकि आपको फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम के बेनिफिट और नुकसान दोनों पता है, तो चलिए अब आपको इसका रिक्वायरमेंट बताते हैं। तो पहला रिक्वायरमेंट है कि आपको यूट्यूब चैनल या फिर आपका फेसबुक में जो पेज है उसमें 1 लाख फॉलोअर्स होना चाहिए। उसके साथ ही आपको 80% कंटेंट फ्री फायर के ऊपर होना चाहिए। आपका जो कंटेंट रहेगा वो नॉन ऑफेंसिव और हैक को प्रमोट नहीं करना चाहिए। और आपको सोशल मीडिया में एक्टिव होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं कि आज वीडियो बनाया है उसके बाद अगला वीडियो अगले महीने बनाते हैं, इस टाइप नहीं होना चाहिए, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आपके यूट्यूब चैनल में लास्ट 30 डेज में 3 लाख व्यू होने चाहिए। और अगर आपका फेसबुक पेज है तो सेम यही कहानी है, आपके लास्ट 30 डेज में 3 लाख विजिट्स होने चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका काम जो है वो प्रोफेशनल वर्क होना चाहिए। ये नहीं कि आप जैसे तैसे वीडियो बनाते हैं, लोगों को कुछ भी बताते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका काम प्रोफेशनलिज्म में होना चाहिए और आपका काम देख के लोगों को खुशी होनी चाहिए, जैसे कि मेरा काम है। अगर आप इन सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना है, जिसके बाद आप फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये करना कैसा है। तो सबसे पहले आपको ब्राउजर में आना है और ब्राउजर में सर्च करना है फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम। सर्च करने के बाद सबसे पहले रिजल्ट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का पेज खुल जाएगा, जिसमें कि साइड में अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, उसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ अपने डिटेल्स फुलफिल करना है, और डिटेल्स में पूछा जाएगा आपका ऑफिशियल नेम, आपका चैनल का नेम यहाँ पे नहीं डालना है, आपका नाम डालना है यहाँ पे। उसके बाद आपका फोन नंबर, आपका चैनल का नाम, आपके चैनल का लिंक और आपके चैनल में कितने सब्सक्राइबर्स काउंट है वो डालना है। अगर आप फेसबुक पेज ऑन करते हैं तो आपका पेज फॉलोअर्स डालना है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे रीजन लिखना है कि आप फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि आप किस टाइप का कॉन्टेंट बनाते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा है कि आप फेस कैम करते हैं या फिर नहीं करते हैं। उसके बाद आपको अपना एड्रेस डालना है, और सबसे लास्ट में आपको अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड अपलोड करना है फोटो खींच के, और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप इतना सब कुछ कर लेते हैं और आप रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। आपके ज्वाइन करना या फिर ना करना ये आपके टोटली लक पे डिपेंड करता है, तो इसीलिए ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा। लेकिन अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और बहुत सारे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।